Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel Niaz Stitching and Painting. आज मैं आपको एक हार्ट शेप कुशन बनाने का प्रोसेस बताऊंगी। इससे पहले भी मैंने दो कुशन का प्रोसेस आपको बताया है, एक स्क्वायर शेप का और एक सर्कल। आज मैं आपको हार्ट शेप बताने वाली हूँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कुशन बनाने के लिए हमें सबसे पहले ड्राफ्ट बनाना है, और ड्राफ्ट बनाने के लिए हमने पहले दो कार्डबोर्ड को जॉइंट कर लिया है, और हमारा ड्राफ्ट इस तरह से बनेगा। और हमने जो कार्डबोर्ड लिया है वो 44x26 होना चाहिए, और हमने जो ये स्क्वायर बनाया है ये 1/2x1/2 इंच का है, और बॉक्स में हमने इस तरह से लाइनिंग डाला है। तो ड्राफ्ट के बैक साइड में हमने फेविकॉल से कार्बन चिपका लिया है कंप्लीट शीट पर। तो इस तरह से हमारा ड्राफ्ट रेडी हो गया है। अब हम इसको कपड़े पे ट्रेस करेंगे। तो एक कुशन बनाने के लिए हमें 1 मीटर क्लॉथ लगेगा। हमने कुशन बनाने के लिए जो थ्रेड यूज़ किया है तो वो हमने 3 फोल्ड अपने नीडल में डाला और वो 6 फोल्ड हो गया। अब हम अपने थ्रेड को अच्छी तरह से लॉक कर लेंगे 6 फोल्ड में। अब हमें कपड़े में भी इस तरह से पहले लॉक करना है, फिर अपना जो हमारा स्टिचिंग है वो कंटिन्यू करना है। अब हमें इसे पलट कर पेपर के साथ कच्ची सिलाई करनी है। तो पलटने के बाद हमें डिज़ाइन पता नहीं चलेगा कि ये हार्ट जो है वो हमारा सही डायरेक्शन में है या नहीं, इसलिए हमने ऊपर में इस तरह से छोटा सा हार्ट बना लिया है। अब हम इसको पलट कर इसी के अकॉर्डिंग स्टिचिंग कर लेंगे।
अब हमने जो कुशन का बैक पार्ट बनाना है, तो हमारा जो कपड़ा बचा था 20x20 का, उसको हमने इस तरह से जॉइंट कर लिया है और बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया है जिससे हम उसमें कॉटन फील कर सकें। अब जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट को पेपर में अटैच किया था, उसी तरह से हमें ये बैक वाला पार्ट जो है इसको भी पेपर में अटैच करना है। लेकिन हमारा जो वो फ्रंट पार्ट था उसका बैक साइड ऊपर था और इसका फ्रंट साइड ऊपर की तरफ रहेगा। ये हमारा 10x20 का हो गया है, तो स्क्वायर में हमारा 20x20 का आ जाएगा। इस तरह से हमने राउ स्टिचिंग कर लिया है। फिर हमने दोनों कपड़े को ज्वाइंट कर लेना है, एक का हमारा कपड़ा ऊपर रहेगा और एक हमारा पेपर ऊपर रहेगा। अब हमने अपने पेपर वाले पार्ट पर इस तरह से हार्ट शेप ड्रॉ कर लेना है, और आप ये हार्ट शेप किसी भी थिक पेपर से कट कर सकते हैं। अब हमारा जो ये शेप है, इसी शेप पे हमने स्टिचिंग कर लिया है। अब हमें टोटल पेपर को हटा लेना है। अब जो हमारा हार्ट शेप था उससे हम सिलाई को छोड़ के थोड़ा कट कर लेंगे। ये कट हो चुका है, अब हम इसको पलट देंगे। पलटने के बाद ये हमारा हार्ट कुशन रेडी है। अब हम इसमें कॉटन फील कर लेंगे। बैक साइड से जो हमने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा था वहीं से हमें कॉटन फील करना है। अब हमें इस तरह से जो हमारा बैक पार्ट है उसको क्लोज कर लेना है। तो ये हमारा बैक पार्ट क्लोज हो चुका है। और हमारा कुशन रेडी है। तो आपको कैसा लगा मेरा ये कुशन और मेरे सारे प्रोसेस, कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।